ये है एक फोर्ड जीटी, और ये इसका लिमिटेड एडिशन मॉडल है, इसका नाम है हेरिटेज एडिशन। चलिए गाड़ी को थोड़ा करीब से देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। अच्छा, ये है इसकी हेडलाइट। तो दो बड़े बल्ब आपको नज़र आ रहे हैं रेक्टेंगुलर, और जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं साइडों में वो डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं। तो ये गाड़ी ना सिर्फ दिखने में बहुत खूबसूरत है, ये गाड़ी एरोडायनामिक बहुत ज़्यादा है और इंतहा ज़्यादा खूबसूरत हेडलाइट्स हैं। उसमें देखें जीटी लोगो भी आपको नज़र आएगा। क्या होता है कि इसमें एक ओपनिंग दी हुई आगे, यहाँ से हवा अंदर जाती है और यहाँ पे जो दो वेंट्स दिए हुए हैं यहाँ से हवा निकलती है डायरेक्ट। तो इस तरह से ही गाड़ी हवा काटते हुए निकल जाती है। ये जो हवा जो निकलती है ये इसकी हैंडलिंग में भी जो है ना बहुत फ़ायदेमंद फ़ायदा देती है। इसमें जो 21 इंच के व्हील्स हैं एलुमिनियम के, इसमें सिल्वर कलर के मिरर्स हैं, और यहाँ पे जो है वो साइड स्कर्ट आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा है, फुल कार्बन फाइबर का, जैसे उसका फ्रंट स्प्लिटर है वैसे ही है। तो कुछ चीज़ें जो इस एडिशन में जो है ना वो खास है, एक चीज़ ये कि इसका जो नंबर 9 है दरवाजे पे, उसमें भी जो है वो कार्बन फाइबर दिया हुआ है। तो ये एडिशन जो है वो काफ़ी स्पेशल है, ये दुनिया में सिर्फ 50 गाड़ियाँ हैं। आज मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ तो सोचा आप लोग को दिखाऊँ। असल में यहाँ पे फोर्ड की एक छोटी सी गैदरिंग हो रही है, ऐसी फोर्ड का ही शुरू में ही पीछे ब्रोंको भी खड़ा हुआ है। तो मैं सोचा आपको ये गाड़ी दिखाऊँ क्योंकि पता नहीं आइंदा कभी ये जी टी एडिशन नज़र आए मुझे या नहीं। अच्छा, इसके जो एयर इनटेक्स हैं वो बॉडी से थोड़ा सा अलग हुए हुए हैं। ये देखिए आपको लेफ्ट वाला जो एयर इनटेक नज़र आ रहा है उस पर जो है वो उसके साथ ही बॉडी का ना एक टनल बना हुआ है, वो हवा गुजरने के लिए है। देखिए कैसा ज़बरदस्त स्टाइल दिया बनाने के, गाड़ी के थ्रू हवा गुजरती है बगैर किसी चीज़ को छुए हुए। तो ये टनल जो है वो पीछे तक आता है बिल्कुल, ये इसके एग्जॉस्ट पाइप और टेल लाइट के बीच में। तो ये देखिए कितना लंबा सा टनल है, तो इसीलिए गाड़ी उस वजह से और भी ज़्यादा एरोडायनामिक है। जहाँ तक लाइट्स की बात है इसकी, देखिए कितनी सर्कुलर लाइट्स हैं, बीच में ग्रिल है उसमें, और ये ज़्यादा ज़्यादा खूबसूरत लाइट्स हैं। तो ये इसका विंग है, ये एयर ब्रेक के तौर पे भी काम करता है, और ज़्यादा ये डाउन फोर्स में भी पैदा करता है गाड़ी के लिए, इसकी वजह से इसकी गाड़ी की हैंडलिंग बेहतर होती है। डबल एग्जॉस्ट पाइप्स हैं इसके अंदर, और वहाँ उसका इंजन है। इसमें बहुत बड़ा इंजन नहीं है जो कि सुपर कार्स में होता है, इसमें सिर्फ एक 3500 cc ट्विन टर्बो V6 इंजन है, वो बनाता है तकरीबन 660 हॉर्स पावर। और ये गाड़ी इतनी एरोडायनामिक है जिसकी टॉप स्पीड है तकरीबन 350 किलोमीटर फी घंटा या 222 मील फी घंटा। अच्छा, डिफ्यूज़र इसका जो है वो भी फुल कार्बन फाइबर का है। ये सब जो कार्बन फाइबर वाली जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हर फोर्ड जीटी में नहीं होती, ये स्पेशल एडिशन मॉडल्स में ही होती है। अगर आपको करवाना है तो आपको फिर इसके लिए अलग चार्ज होता है इसका। अच्छा, तो ये गाड़ी इस कलर में क्यों है, इसलिए क्योंकि 1960s की बात अगर मैं करूँ तो उसमें एक फोर्ड GT40 के नाम से एक रेसिंग कार होती थी, उसने जो है लमांस की रेसेस जीती हैं, और फोर्ड जो है ना फोर्ड का नाम उस रेस ने जो है रोशन कर दिया दुनिया भर में। तो सिर्फ एक ही रेस नहीं हुई थी, बहुत सारी रेसेस हुई थी। और एक और स्पेशल एडिशन है यहाँ पे नंबर 5 की रेसिंग कार, ये भी फोर्ड जीटी है। तो फोर्ड का एक रेसिंग ड्राइवर था होलमन मूडी, उसके जो गाड़ी का जो पेंट था उसी से मैच करते हुए ये पेंट स्कीम है गाड़ी का। तो होलमन मूडी बेसिकली ना सिर्फ एक बहुत ही सक्सेसफुल रेसिंग ड्राइवर था फोर्ड के लिए, बल्कि उसने जो है वो गाड़ी को डिज़ाइन करने में भी मदद की थी फोर्ड GT40। तो 1960s की बात जो की जो रेसेस हैं उसको अब जो है वो 50 साल हो गया है। तो उसकी खुशी में उन्होंने ये स्पेशल फोर्ड ने ये स्पेशल एडिशन्स निकाले हैं। तो एक तो हेरिटेज एडिशन है जो कि सारी रेस कार्स को ऑनर करता है, खासतौर पर जो जिनका पेंट जो है वो गल्फ लिवरी में था। फिर ये होलमन मूडी की जो एडिशन है वो होलमन मूडी की रेस कार को जो है वो ओमाज देता है। खैर, उन गाड़ियों के अलावा यहाँ पर नॉर्मल फोर्ड GTs भी हैं। एक तो ये ब्लैक कलर की है, इतिहास ज़्यादा ज़बरदस्त, बिल्कुल एक बैटमोबाइल सी लग रही है। प्लस दो और हैं, आज तक कभी एक ही जगह में मैंने इतनी सारी फोर GTs नहीं देखी। मैंने पहले 3 देखी थी, मैं कभी इस तरह से 5 नहीं देखी। ये वाली तो ये कार्बन एडिशन है, आप देख रहे हैं इसमें जो है कार्बन फाइबर भी है हर तरफ, और कुछ जगहों पे नहीं है, कुछ जगहों पेंट है। आगे फ्रंट एंड वो भी फुल कार्बन फाइबर है, जो नॉर्मल फोर GTs होती हैं उसमें ये कार्बन फाइबर नहीं होता इतना ज़्यादा। फिर व्हील्स वो भी कार्बन फाइबर के हैं। कलर इसका जो है तो मुझे अच्छा लग रहा है, मगर ये बहुत तेज़ है, थोड़ा सा और हल्का होता तो अच्छा लगता है। छत पे भी जो है वही कार्बन फाइबर है, और वही एक ऑरेंज कलर की लाइन वो पीछे तक जा रही है इंजन बेस से लेके विंग के ऊपर तक। और बाकी एक बहुत ही शाइनी, बहुत ही अट्रैक्टिव कलर है ये। तो मुझे बताएगा कोई ये फोर GT कैसी लगेगी, कौन से कलर में आपको पसंद आएगी। इस यहाँ पर एक येलो कलर की भी है,
उसमें जो है वो ब्लू कलर भी जगह जगह दिया हुआ है, जैसे साइड मिरर्स पे, ब्रेक कैलिपर्स पे, और जो बीच में जो स्ट्राइप है वो भी ब्लू कलर का है। तो ये एक ट्रिम, ये भी बहुत अच्छा है। ये गाड़ी होगी तकरीबन 4 मिलियन दरम्स तक की, तो है आराम से, कहीं नहीं कहीं से भी नहीं। और जब ये लॉन्च हुई थी तो फोर्ड को पता था कि बहुत सारे लोग जो है ना उसको ख़रीदेंगे और उसको फ़ौरन बेच देंगे, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है और लोगों को, और ये दुगनी कीमतों पर बिकी है। तो जब आप कोई नई फोर्ड जीटी ख़रीदते थे फोर्ड से, तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था कि ये गाड़ी आप फ़ौरन नहीं बेचेंगे, या आप इसको जो है रखेंगे कुछ ऐसे फिर आप बेचेंगे। बस ये एक मार्केट कंट्रोल करने का तरीका था, ताकि सिर्फ जो जो सेलर्स हैं वही ना ख़रीदें, जो प्रॉपर कस्टमर्स हैं वो ख़रीदें। यहाँ पे एक फोर्ड शेल्बी जीटी मस्टैंग भी है, जो कि 760 हॉर्स पावर बनाती है। ये एक मस्टैंग माकवान भी है इसी शोरूम में, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी। तो इन्हीं गाड़ियों की भी अगर आपको वीडियोज़ देखनी है ना, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको सारे नाम और लिंक्स मिल जाएंगे। आपको ब्रोंको की भी वीडियो मिल जाएगी, फोर्ड F-150 की भी वीडियो मिल जाएगी, और बाकी अगर कंपनीज की वीडियोस देखनी है तो वो आपको मेरे चैनल में मिलेंगी। तो मुझे बताएगा आपको कौन सी गाड़ी सबसे अच्छी लगी, कौन सा कलर पसंद आया, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक नज़र मेरे चैनल पे भी ज़रूर जाकर देखिएगा, आपको एक दिन मज़ा आएगा।